फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है लखनऊ रुचि ब्यूटी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक अनोखा फेस पैक, मैंगो फेस पैक। क्या? हाँ भाई, आपने सही सुना है, मैंगो फेस पैक। क्यों नहीं हो सकता, जब मैंगो क्रीम हो सकती है, मैंगो फेशियल जेल हो सकता है, तो DIY मैंगो फेस पैक क्यों नहीं हो सकता। आज से नहीं, ये दादी नानी लोगों के समय से नुस्खे चले आ रहे हैं, मगर बहुत से लोग जानते होंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। ये बहुत से लोग यूज़ भी करते होंगे और ये फेस पैक मानिए बहुत ही अच्छा है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, नरिश करता है, वाइटन एंड ब्राइटन बनाता है, ग्लोई बनाता है। सोचिए, एक चीज़ आपकी स्किन को इतनी सारी चीज़ें दे रहा है और आपकी स्किन ग्लोई बनाता है, तो सोचिए कितने काम आने वाला है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंगो फेस पैक है तो हमें सबसे पहले चाहिए मैंगो। इसको ऐसे करना ना, इसका हमें पल निकाल लेना है। जो इसका पल होता है, छील के इसका पल हमें निकाल लेना है। तो मैंने जो है मैंगो पल बना लिया है इस तरह से, आप देख सकते हो, ये देखिए। और ये बहुत ज़्यादा मैंगो मैंने नहीं लिया था, एक छोटी सी स्लाइस ली थी और उसको स्मैश कर लिया है इस तरह से, ये देखिए। आप स्पून की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से इसको स्मैश कर सकते हो और ये देखिए, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, बहुत अच्छी तरह से स्मैश है ये। सेकंड चीज़ है हमारी चावल का आटा, राइस फ्लावर। तो ये राइस फ्लावर मैंने घर में ही बनाया है और हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो अब हमें करना क्या है, चावल का आटा लेना है और इसमें हमें मैंगो पल्प में ऐड कर देना है। ये देखिए, मैंने आधी चम्मच लिया है, आप एक चम्मच भी ले सकते हो, जैसे आपको यूज़ लगे। आप देख सकते हो इसमें चावल का आटा मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं थर्ड चीज़ ले रही हूँ, कोकोनट ऑयल। ये पतंजलि का वर्जन कोकोनट ऑयल है, आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हो और इसमें हमें आधी चम्मच इसे मिलाना है। तो मुझे अंदाज़ा है, तो आप चम्मच से भी इसे मिला सकते हो। तो आपने देखा कि मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल इसमें मिला दिया है। तो बस हमें ये तीन चीज़ें यूज़ करनी है और इस पैक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, ये पैक, ये देखिए, ये फेस पैक बहुत अच्छा काम करता है। मगर फेस पैक यूज़ करने से पहले दो काम हमको करने हैं। सबसे पहले हम अपने हेयर को टाई कर लेते हैं। मैंने पोनी बनाई है, अब मैं बन बना लेती हूँ, हाई बन। और मैं अपने ईयरिंग्स को निकाल देती हूँ। मैंने पहले से फेस वॉश कर रखा है, मैंने कुछ भी अपनी फेस पे नहीं यूज़ किया है। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ रोज़ वाटर, इस तरह से। तो उसे टैप टैप कर लूँगी अपने फेस को थोड़ा सा भी, ताकि मेरा फेस वेट हो जाए थोड़ा से। तो यूज़ करते हैं अपना मैंगो फेस पैक। आप चाहो तो ब्रश के हेल्प से भी यूज़ कर सकते हो, मगर मेरे हाथ ही बहुत अच्छे हैं तो मैं अपने हाथों से यूज़ करूँगी। तो चलो, ये फेस पैक वाकई, आप देखिएगा मेरा चेहरा कितना ग्लो करेगा और बहुत अच्छा है, स्मूथ स्मूथ सा। और ये जो फेस पैक है, इसमें जो चावल का आटा है, ये आपका स्क्रबिंग का भी काम करेगा। ये फेस पैक आप फेस के साथ साथ अपने हैंड पे भी लगा सकते हो, जिनके टैनिंग हो गई है, जिनके मतलब कि रफनेस है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वो लोग लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हो, बहुत वाओ, मैंगो खाने का मन हो रहा है मेरा। फेस पैक के साथ साथ मुझे मैंगो भी खाने का मन हो रहा है। और इसमें जानते हैं कोकोनट की स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है कच्चा नारियल की स्मेल आ रही है। वाकई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब भी मैं बनाती हूँ तो ज़्यादा बनाती हूँ, जैसे आप देख रहे हो, मैं अपने हैंड पे भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि अपने हैंड्स को भी पैम्पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी। तो आप देख रहे हो कि मैंने अपनी आइज छोड़ के पूरे फेस पे लगा लिया है ये फेस पैक।
और बहुत अच्छी तरह से लगाया है, आप देख सकते हो। और जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि वेस्ट नहीं करना है, मैंने ज़्यादा बनाया था आज जानबूझ के, तो मैं अपने हैंड पे अप्लाई करने जा रही हूँ। ये फेस पैक आपको 10 मिनट तक रखना है, जब तक मेरा फेस पैक ड्राई होता है तब तक मैं मैंगो शेक का मज़ा ले लेती हूँ और इन्जॉय करती हूँ मैंगो शेक को। बहुत यमी बना है मैंगो शेक, फेस पे मैंगो, हाथ में मैंगो, पूरा समर सीजन में मैं मैंगो इन्जॉय कर रही हूँ बहुत आराम से। तक ही हमें ये फेस पैक लगाना है और लगभग लगभग मेरा फेस पैक ड्राई हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें रोज वाटर यूज करना है, एक दो स्प्रे कर लेना है। उसके बाद हमें अपने हैंड से इस तरह से हल्के हाथों से स्क्रब करना है, जितनी भी आपकी डेड स्किन होगी वो अच्छी तरह से निकल आएगी इससे। नोज़ पे अगर आपके ब्लैक हेड्स हैं तो आप इस तरह से कर सकते हो और बहुत अच्छी तरह से रिमूव हो जाती है डेड स्किन। तो हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल लाइट हाथों से, बहुत ज़्यादा कस के नहीं करना है। तो आप देख सकते हो मैं अपने बहुत लाइट हाथों से कर रही हूँ। अब मैं फेस वॉश करके आती हूँ और आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या आया है। तो फ्रेंड्स मैं फेस वॉश कर आई हूँ, आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया है, आप देख सकते हो। अभी केवल मेरे फेस पे पानी है और मैं फेस कॉटन पैड से इसको टैप टैप करके थोड़ा से ड्राई कर रही हूँ, आप फर्क देख सकते हो। वीडियो को पहले देखिएगा मेरा फेस कैसा था और ये फेस पैक यूज़ करने के बाद मेरा फेस पे क्या असर हुआ है। तो आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ गया है, ये देखिए। अभी भी मैंने कुछ नहीं लगाया आपके सामने, मैंने फेस कॉटन पैड से केवल टैप टैप करके अपने फेस को ड्राई किया है और ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा ग्लो आया है, आप खुद देख सकते हो, आया ना। और हैंड्स देखिए कितने साफ हो गए हैं, कितने सॉफ्ट हो गए हैं, क्या आपको क्या बताऊं। ये देखिए आप देख सकते हो, इस समय मैंने कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाया है। इस फेस पैक के बाद आपको यूज़ करना है जो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, जो भी यूज़ करते हो वो यूज़ करना है। तो मैं यूज़ करती हूँ नीविया क्रीम, तो मैं यूज़ करने जा रही हूँ नीविया क्रीम। आप पहले से देख सकते हो कितना ग्लो आ गया है मेरे फेस पे और मैं टैप टैप करके निविया क्रीम यूज़ कर रही हूँ और आपको बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया है। एक बार यूज़ करके ये फेस पैक ज़रूर देखिएगा और मेरे हैंड पे भी आप देख सकते हो कितनी ग्लोई और शाइन आ गई है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मैंगो फेस पैक अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय।